दोस्तों कहते हैं निर्णय के समय में ही आपके भाग्य का निर्धारण होता है, और ऐसे में यदि आपका निर्णय किसी दूसरे के हाथों पर निर्भर है तो आपका भाग्य खुद ब खुद आपकी हस्तरेखाओं से स्वतंत्र हो जाता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में बात अगर हम क्रिकेट की करें तो यह अपनी सार्थकता स्वतः ही सिद्ध कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट जगत के एक ऐसे अंपायर की जिसके गलत निर्णयों की वजह से कई खिलाड़ियों का भाग्य उनकी भाग्य लकीरों से मिट गया। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत के उस अंपायर की जिसे विश्व के सबसे बेईमान अंपायर के तमगे से कई मुल्कों ने नवाजा। हम बात कर रहे हैं स्टीव बनकर की। यूं तो इस अंपायर का नाम सुनते ही भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के सामने बेईमानी की जीती जागती तस्वीर सामने आ जाती है, मगर स्टीव बनकर की अंपायरिंग से भारत ही नहीं परंतु समूचे विश्व क्रिकेट को भारी कीमत चुकानी पड़ी, और शायद इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में 24 नवंबर साल 2009 में डिसीजन रिव्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। दोस्तों स्टीव बनकर का जन्म 31 मई 1946 को माउंटेस बे जमैका में हुआ था। बचपन में बनकर फुटबॉल में खासी दिलचस्पी रखते थे, लेकिन अपना करियर फुटबॉल में न बना पाने के कारण उन्होंने क्रिकेट अंपायरिंग की राहों को चुन लिया। आपको बता दें कि स्टीव बनकर ने अपने अंपायरिंग करियर में 128 टेस्ट मैच और 181 एक दिवसीय मैचों में अंपायरिंग का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इसके बावजूद स्टीव बनकर अपने अंपायरिंग करियर में अपने गलत निर्णयों और अपने बेईमानी वाले रवैये से सुर्खियों में रहे। आज हम आपके सामने स्टीव बनकर के कुछ ऐसे गलत अंपायरिंग निर्णयों को रखेंगे जिनके कारण उस दौर में बनकर के अंपायरिंग पर खुलकर निशाने साधे गए। बनकर द्वारा किए गए सबसे खराब अंपायरिंग निर्णयों में पहले नंबर पर शुमार होता है साल 2003 में सचिन तेंदुलकर को ब्रिस्बेन में दिया गया गलत LBW आउट। दरअसल उस मैच में गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जेसन गिलेस्पी कर रहे थे और उनकी अधिक बाउंस वाली गेंद को छोड़ते हुए सचिन ने अपना बल्ला पीछे कर लिया और गेंद पैट के काफी ऊपर लगते हुए कीपर के पास गई। इस घटना के बाद जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों द्वारा अपील किया गया तो स्टीव बनकर ने सचिन को आउट दे दिया। इस दृश्य को देखते हुए सचिन भी भौचक्के रह गए थे। स्टीव बनकर के घटिया अंपायरिंग निर्णयों में दूसरा मामला शुमार होता है साल 2000 के इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान फैसलाबाद टेस्ट मैच का, जहां पर स्टीव बनकर ने पाकिस्तान के सकलन मुश्ताक की गेंद पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन को LBW आउट दे दिया था, जबकि बॉल हुसैन के बल्ले के बीच में लगने के बाद पैड पर लगी थी। नासिर हुसैन इस गलत अंपायरिंग से इतने आश्चर्यचकित हुए थे कि वो कुछ समय क्रीज पर खड़े या समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें आउट किस बात पर दे दिया गया है। अब इस फहरिस्त में स्टीव बनकर का अगला गलत निर्णय साल 2008 के भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया एडिलेड टेस्ट मैच का जुड़ता है, जब बनकर ने राहुल द्रविड़ को कॉट बिहाइंड आउट दे दिया था, जबकि बॉल तो द्रविड़ के बैट के आसपास भी नहीं लगी थी। स्टीव बनकर का अगला गलत निर्णय साल 2007-08 की उस बॉर्डर गवास्कर सीरीज से जुड़ता है जिसमें खिलाड़ियों की आपसी समझ के अभाव में मंकी गेट जैसे बड़े विवाद ने जन्म लिया था। दरअसल ईशान शर्मा की गेंद पर एंड्रू साइमंड्स का एज लगा और महेंद्र सिंह धोनी ने बॉल को कैच आउट करते हुए आउट की अपील की, लेकिन इतने मोटे एज के लगने के बाद भी बनकर पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने साइमंड्स को नॉट आउट दे दिया। लेकिन बाद में जब रिप्ले में अल्ट्रा एज को दिखाया गया तो बल्ले का एक मोटा बाहरी किनारा बॉल को लगा था। अब इस सूची में बनकर का अंतिम बेईमानी भरा निर्णय जुड़ता है साल 2005 के भारत बनाम पाकिस्तान कोलकाता टेस्ट मैच का, जब स्टीव बनकर ने अब्दुल रज्जाक की गेंद पर सचिन तेंदुलकर को कॉट बिहाइंड दे दिया था। सचिन के साथ साथ कीपर कामरान अकमल को भी पता था कि बॉल बैट से काफी दूर से निकली है, इसी के चलते कामरान अकमल ने अपील भी नहीं की, लेकिन कीपर की अपील ना करने के बावजूद भी स्टीव बनकर ने सचिन तेंदुलकर को आउट दे दिया था। और शायद कुछ ऐसे ही खराब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डिसीजनों की वजह से स्टीव बनकर ने एक पक्षपात और बेईमान अंपायर की ख्याति अपने करियर में अर्जित कर ली थी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ, साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।